मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के मधुर नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। मलेशिया देश में कोलालंपुर में पुत्र जया जगह से बात कर रहे हैं या सुंदर ढंग से उस नाम को लिखे हैं। प्रधानमंत्री की दफ्तर यहीं पर पाई जाती है और ऊंचे ऊंचे पद में रहने वालों की ऑफिस भी यहीं पर पाई जाती है। यहाँ पर अंदर आते ही आंखों को देखने का लायक सुंदर जगह को इन्होंने बनाई है। चारों तरफ में देखने के लिए कितना बहुत सुंदर है। प्रभु इस देश से इतना प्रेम करते हैं, कारण है चारों तरफ में पानी हो रही है, चारों तरफ में इतनी हरियाली है। इस देश के लिए इतनी हरियाली को प्रभु दिए हैं। चारों तरफ में इनके कमाई के लिए खेत है और समृद्धि भरी हुई है। इतनी आशीष को प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को हम स्तुति करते हैं। आज प्रभु के वचन को हम सुनेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 31 वचन में। वचन क्या कहता है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। हमारा प्रथम परमेश्वर बड़ी दयालु प्रभु है। हमारा साथ रहने वाला यीशु मसीह के बारे में वो कहते हैं वो इतना दयालु है, इसलिए दया करने के चलते ही क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण को दिए हैं। आप देखिएगा, एक माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। साथ में जाने के वक्त में कभी गलती करने से क्या उसकी माँ उनको ऐसे ही छोड़ देगी, ऐसे ही आधे रास्ते में छोड़ के चली जाएगी? कभी भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर भी जैसे माँ नहीं छोड़ती तो परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? क्रूस पर अपना प्राण को हमारे लिए दिया है। मैं अपने जीवन को मोड़ कर देखता हूँ, आज मैं जीवन का साथ तो परमेश्वर की अनुग्रह है। मैं मृत्यु की दशा में था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और अपनी सेवा में प्रभु ने रखा है। सेवा में आने के बाद बहुत सारे कमियां मेरे जीवन में पाई गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी कमी को नहीं देखा और मुझे ऐसे ही त्यागा नहीं। प्रभु ने मुझे अपने पास रखा है। परमेश्वर ने मेरे सारे कमियों में मुझे मदद किया और सहायता किया, मेरे कमी को दूर किया है। अभी तक मैं जीवित रहता हूँ, सेवा करता हूँ। ये सब परमेश्वर की अनुग्रह। आपके जीवन में भी आप थोड़ा अपने आप को जांच के देखिएगा। गलती के लिए दंड देने से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है ना। उसकी दया के कारण, दयालुता के कारण आज तक उसकी अनुग्रह से प्रभु ने हमें संभाला है। हो सकता मैंने अपने सेवा में, अपने जीवन में थोड़ा से गुस्सा किया, किसी के विरोध काम किया, क्या इसके चलते प्रभु मुझ पर दया नहीं करेगा, मुझे छोड़ देगा? ऐसे सोच रहे हैं ना। जो अपने आप को कहता मैं निर्दोष हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, उसी पर प्रभु दया नहीं करता। यदि अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को छिपाते नहीं, अंगीकार करते हैं, उसको पर परमेश्वर दया करता है। यदि आप मन खोल के कहते हैं हे परमेश्वर मैंने पाप किया है, मेरे पापों को तो दूर करना, तुरंत परमेश्वर आपके ऊपर गले लगाएगा और कहेगा ये मेरे बेटा है, ये मेरे संतान करके परमेश्वर गले लगाएगा। इतना अद्भुत और चमत्कार प्रभु है, इसके बावजूद आप क्यों डरते हैं? परमेश्वर इतना प्यारा है। परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करने वाले, आपकी सारे अपराधों को दूर करके आपको खड़ा करने वाले परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पास आके हिम्मत से कहना मैंने गलती किया है परमेश्वर, दिल पर आत्र के कहना हे प्रभु तेरी ही दया इतना है, इसलिए मैं मिट नहीं गया, अभी तक जीवित हूँ। तू दयालु है, इसलिए हमें कभी भी नहीं त्यागा है और आगे तक प्रभु जी आखिरी समय तक तू अगुवाई करेगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।